की स्पीड देखें और ये ब्राह्मा देखें, ये जो पतीले में एक आधी जो चिपकी हुई है ना वो खा रही है बस। जामानी ब्राह्मा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। व्लॉग देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने जो है वो पूरा खाली किए हुए आज बर्तन ऊपर आया था, और इसकी पानी के हालात देखे, इन्होंने कीचड़ बनाया था पूरा, पानी तो बीच में रह ही नहीं गया हुआ समझ में। तो इनके बर्तन जो है वो मैं यहाँ इसलिए उल्टा के साइड पे रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आज इनको मील बम्स डाल के देने वाला हूँ मैं, और ये कनाली भी मैं बाहर ले जाऊँगा इनके मील बम्स के साथ जो है ना। पानी रखना इतना कोई अच्छा नहीं होता इनके लिए क्योंकि ये लाइव बम्स खा रहे हैं, तो साथ अगर पानी का इनटेक कर लेते हैं ये तो ये बीमार हो सकते हैं। चलो बस पीछे हो जाओ, सारी रात तुम पानी पीता नहीं, हूं तुम पानी याद आ रहे। तो ये अब हमारे पास एक खुली जगह बन गई है, यहाँ पे हम मील बम सारे डाल देंगे और इनकी ये कनाली जो है ना हम साफ करके अंदर रखेंगे। ये देखें मेरे कबूतर भी सारे आ गए मुझे देख के। हेलो होमर, कैसे हो? हेलो होमर से मुझे याद आया, वो मीम जो चलती नहीं हेलो फ्रेंड्स। इधर कैसे इधर के हालात मैंने कहा देख लेते हैं फिर उस हिसाब से काम करना चाहते हैं। इनका पानी अभी है लेकिन साफ करेंगे हम इंशाल्लाह। बाजरा भी अभी है खा लेंगे ये, और बस इसकी फीड मुक चुकी है तो ये ले आते हैं हम। सबसे पहले आज फिर काम जो है ना बर्ड एवियरी के कर लेते हैं, फिर उनको तसल्ली से मील बम्स डाल देंगे अपनी मुर्गियों को। चिकन कूप की कनाली मैंने साफ कर दी है, इसकी भी बर्ड एवियरी की कनाली भी साफ कर दी हुई है, और वहाँ पे ना मैंने बजीज की जो ट्रे है ना वो उल्टा दी थी क्योंकि उसमें थोड़ी सी रेत और थोड़ी सी जो है ना फीड सही वाली थी, बाकी सारे छिलके ही थे, तो जो थोड़ी सी फीड मैंने उल्टाई है ना मेरे के सारे कबूतर खाने आ गए हैं और बज्जी के ऊपर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ट्रे में कुछ भी नहीं है, ट्रे पूरी खाली कर दी मैंने। तो ट्रे में आज जो है ना फीड भर देते हैं अच्छे से। ट्रे माशाल्लाह से अच्छी भर दी है मैंने, नॉर्मली एक कप डालता था आज मैंने इनको डेढ़ कप ला के डाला। देखें हमारी डब्स नीचे आई हुई हैं खाना खाने। दोनों हमारी डब्स जो है ना इनकी रेड आइज हैं, हमारे पास ज़्यादा कबूतर सारे रेड आइज वाले ही हैं, सिर्फ ये जो हमारे ब्लैक लगे ना ये येलो आइज में। तो हम कोशिश करेंगे और डिफरेंट आई कलर वाले लेके आए कबूतर। वो देखें होमर की फीमेल ऊपर चलेगी है बजी से खाना खाने। यार ये होमर से ही स्मार्ट है, ये देखें मेल बैठा है इसने भी चले जाना थोड़ी देर तक। ये देखें गाइस मैं अभी बाहर ही आया हूँ तो वो भी चला गया। कितने ये प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं मेरे लिए मेरे बर्ड्स। दोनों मियाँ भी बैठ के बजी की दाने में से सनफ्लावर सीड्स खा रहे हैं। गाइस मैंने बर्तन अभी ला के अंदर रखा ही है तो देखें सारी मुर्गियाँ बीच में चढ़ गई। उतरो यहाँ पे इसको उल्टाते हैं और अपनी ये चक्कर है मील बम्स। मील बम्स की क्वांटिटी देखें माशाल्लाह से अच्छी खासी क्वांटिटी है, धड़ाधड़ सबने खाने स्टार्ट कर दी। हमारे नए मुर्गा मुर्गी ओहो गोल्डन बाफ ने खाना स्टार्ट कर दिए हैं। और बंटी तू पीछे जा, तूने मार खा लेनी, मैं अभी इतनी हूँ। देखें हमारे ब्राह्मा जो मुर्गी है ना वो अभी बंटी से डर रही है और बंटी उसको तंग कर रहा है।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे खाने स्टार्ट कर देंगे वहाँ से मील बम्स, उन्होंने स्लैट कर देना पूरा खा खा के। लेकिन हम थोड़ा सा ना ये प्लेट पकड़ के ना इसको फैला देते हैं अच्छा सा। तो गाइस ये चक्कर है, हमारी 18 की 18 मुर्गियाँ जो है ना दड़ादड़ खाने में बिजी हैं, सिर्फ हमारी ब्रह्मा मुर्गी ने थोड़ा सा मील बम्स एक दो खा के जो है ना ऊपर बैठ गई है जाके, क्योंकि बंटी इसको तंग करने से बाहर नहीं आ रहा। चलो भाई आज तो है ना पॉलिश को भी मौका मिल गया, जब से ये गोल्डन बाफ और ब्रह्मा आई है ना तो पॉलिशों को बंटी ने तंग करना छोड़ दिया, पॉलिशों की अब सिर्फ सादे चूजों से लड़ाई होती है। ओहो ब्रह्मा ने भी खाया है मील बम्स, गुड यार गुड। ब्रह्मा तुम भी खा लो मील बम्स। हैं मील बम्स खाने तुमने? गाइस ये देखने में रियल में इतनी खौफनाक मुर्गी है, बेचारी कहती कुछ नहीं है किसी को, देखे बंटी ने सारों को भगा के इधर कर दी। बंटी का मेरा दिल करता है इसके लिए ना पिंजरा होना ही चाहिए एक, मतलब मील बम्स डाले इसने खानी तो एक नहीं खाई होगी इसने मील बम्स तब से, और सबको देखे भगा रहा है। बंटी तुम्हारा इलाज मैं ही हूँ, चलो इसको जो ना ऐसे कोने में डाक लेते हैं हम। अब कहाँ जाओगे तुम, हैं कहाँ जाओगे तुम, इसी कोने में रहो वरना तुम्हें। देखिए ये इस कोने में है ना तो सारे जो है ना अपना मजे से एंजॉय कर रहे हैं खा रहे, ये ही एक डॉन है इस चिकन कूप में हमारे, जो ना खुद खाता ना दूसरों को खाने देता, इसको पता नहीं क्या मसला। नहीं बंटी वहाँ नहीं जाना तुमने, चलो यहीं रहो तुम, वो देखो सारे सुकून से खा रहे हैं, खा लेने तो उन्हें। गाइस अब ब्रह्मा को नोटिस करके ब्रह्मा की स्पीड देखें, ब्रह्मा जो है फुल स्पीड ऐसे लगी हुई है दड़ादड़ खाने, गिनी पाउस की भी अच्छी स्पीड है, चूजे तो खाते ही हैं, ब्रह्मा की स्पीड देखें हमारी, ये जो ब्रह्मा कह रहा हूँ गोल्डन बफ की स्पीड देखें, और ये ब्रह्मा देखें ये जो पतीले में एक आधी जो चिपकी हुई है ना वो खा रही है बस, और डर डर के जाती है वहाँ पे ब्रह्मा एक आधा पीस उठा के ले आती है, लेकिन गोल्डन बफ तो ऐसे दड़ा दड़ खा रही है सारों के बीच में घुस के। गाइस हम जो हैं वो अपने चिकन कूप में आ चुके हैं, और कनाली सुबह से धो के रखी हुई थी हमने तो खुश हो गई है, तो अब इसके अंदर ना फ्रेश पानी डाल के देने लगे, हमारी मुर्गियाँ सारी आ गई हैं पानी पीने के लिए, जावियर भी आया है हमारे पास ऊपर हमारे साथ, तो जावियर को जो है ना वो आज बुखार हुआ है, तो इसके लिए दुआ करें कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। चलो जी साँस लग गया पानी पे, आज पानी मैंने गायब किया हुआ था ना मील बम्स डाले थे इस वजह से, तो जनाब साहब अब इनके जो ये हैं हमारे फीड वाले इनको भी यहाँ पे रखते हैं निकाल के, और इनमें भी जो है ना फीड ला के जो है ना वो डालते हैं हम। इसके अंदर भी ये मिट्टी रेत घुसाने से बाज नहीं आते। फीड हमारी मुर्गियों की आ गई और दुपट्टे मेरे ऊपर पड़ने स्टार्ट हो गए, तो फीड हम इनको डाल देते हैं। सुबह से इनको सिर्फ मील बम्स ही डाले हमने, फीड नहीं डाली हुई थी जी। देखा मेरे बेटे ने गोल्डन बफ और पॉलिश दोनों नाम सीख लिए। हाँ पॉलिश ये वाली है, ये पॉलिश है ये वाली, वो गोल्डन बफ है, ये ब्रह्मा है, क्या है नाम इसका ब्रह्मा भी सोच रहा है, वो सिल्की है ये वाइट वाली सिल्की, ये क्या है ब्रह्मा, क्या नाम है इसका जामानी ब्रह्मा। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे तुम खुद ही, हमारी पिजन्स का भी दाना जो है वो ख़त्म हुआ हुआ ऑलमोस्ट, तो उनको भी डाल देते हैं हम दाना। पिजन्स की भी फीड जो है वो आ गई है, और देखें ये हमारा हुमर को देखें वो पहले ही रेडी है खाने के लिए, आ गया वो भी देखें कनाली पे आके बैठ गया, चेक करें इतना स्मार्ट पिजन है यार ये कसम।
मैंने पहली दफा ही कोई देखा होगा कि पिजन्स जो है वो इतने अक्लमंद भी होते हैं। देखिए हमारी लैला भी आ गई है, उसको भी पता लग गया खाना आने लगा, वो भी हमें देख रही है, उम्र की फीमेल भी। ये लो भाई, आ गए भाई हमारे कबूतर आ गए खाना खाने के लिए। इसका क्या करना है आपने? डाल दिया फीड इसके अंदर से मैंने सारी, आपने क्या करना है इसका? फीड तो मैंने डाल दी उन्हें बेटे, माशाल्लाह से हमारे सारे कबूतर फीड खाने के लिए आ गए हैं तकरीबन। रांझा साहब आप भी चले जाएं, ये सोचता ही रहता है, पहले सोचता रहता है कहाँ से कहाँ जंप लगाऊं मैं, इतनी सी जंप इसने लगानी थी यहाँ से यहाँ, तो ये सोच ही जा रहा था। जो हमारे होमर है ना, ये आप बच्चों को देखें, वो बच्चे बैठे हुए हैं इसके, तो इनको छोड़ के बाहर घूमते फिरते रहते हैं, थोड़े से बड़े हो गए ना तो ये इनको छोड़ के घूमते फिरते रहते हैं। जो उधर है उधर सेंटिनल का मेल ड्यूटी दे रहा है इस टाइम पे, इसलिए वो खाना खाने के लिए नहीं आया। और इनको पता नहीं क्या मज़ा आता है कुजियों के ऊपर बैठने का, ये कुजियों के ऊपर ही बैठते हैं। भला तुम नीचे अपना घोंसला बनाओ, नहीं चलो जाओ तुम भी खाना खा लो, चलो शाबाश। हाँ ब्लैक कबूतर, ये वाला भी ब्लैक कबूतर है, हाँ ब्राउन कलर कबूतर भी है। गाइस हम अपने सेटअप पे वापस आए थे देखने के किसी ने अभी तक कोई आज अंडा दिया है कि नहीं दिया, तो आज कोई अंडा नहीं मिला, नागा कर लिया इन्होंने। और ये कुछ टुकड़े हमें मिले थे बल्ब के, जो इन्होंने कल तोड़ के नुकसान किया था, उसके अभी तक टुकड़े बीच में से मिल रहे हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि किसी के लगे नहीं है, किसी ने खाने की कोशिश नहीं की इनको, तो बचत हो गई इनकी। हमारी डव जो आप देख सकते हैं सुन सकते हैं बोल रही है, ये वाली, इन दोनों डव्स की आपस में दोस्ती भी हो गई है, दोनों माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं, यूनिक कलर है इनका प्रिंट है। तो आज का गाइस व्लॉग जो है वो हमारा यहीं तक था, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।